भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान आयोग के गठन करे। कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र की भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नगला इमारती में भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप का स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। कहा कि देश के पीएम चुनाव आने पर किसान की तुलना अन्नदाता और भगवान से करते हैं। चुनाव जीतने के बाद किसान और उनकी मूल समस्याओं को दरकिनार किया जाता है, जिसके चलते लगातार किसानों की आर्थिक तंगी बढ़ रही है। कहा कि सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का कोरा आश्वासन देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने समस्त किसान संगठनों को किसान आयोग बनाने का आश्वासन दिया था, काफी समय बीतने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहा कि अगर शीघ्र किसान आयोग का गठन नहीं किया गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मांग की है किसान आयोग केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री, जब हम चिल्ला बॉर्डर पर थे तो राजनाथ सिंह ने बुलाया था। राजनाथ सिंह के घर पे कृषि मंत्री मौजूद रहे थे, नरेंद्र तोमर जी, और उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो मांग है किसान आयोग के गठन की, उसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी और मैं नरेंद्र तोमर, तीनों लोग मिलके बनाएंगे और आपकी मांग पूरी करेंगे। लेकिन अभी तक वो नहीं बना है तो फायदा ये होगा, किसान आयोग ही फसलों की कीमत तय करेगा और वो सरकार को बताएगा, उस पे सरकार को किसानों की फसल यानी किसानों का उत्पाद खरीदना पड़ेगा। आज क्या चल रहा है, आज DAP तेज हो गई, यूरिया तेज हो गया, डीजल तेज हो गया, ट्रैक्टर तेज हो गए, और किसान का बढ़ा दो 10 रुपया, बढ़ा दो 5 रुपया, तो 5 रुपया 10 रुपया से कोई मतलब बनने वाला नहीं है। एक उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के राज्य में 1967 में 76 रुपया कुंटल गेहूं की खरीद की थी चौधरी चरण सिंह जी ने, मुख्यमंत्री ने। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी, 76 और 70, 70 के तो तनख्वाह हो गई अब 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक, और वो 76 से अभी 2,000 नहीं हो पाया है। तो ये घोर अन्याय भारत के राजनेताओं ने जो किसानों पे किया है, मैंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प कर लिया है। देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और सारी जातियां जो किसान हैं, वो सब इकट्ठी होकर किसान आयोग के गठन की मांग करती हैं। भारतीय किसान भानु का ऐलान है, यदि वो 24 में चुनाव में जो केंद्र सरकार का चुनाव होगा, यदि आयोग का गठन नहीं किया गया तो फिर हमको महाभारत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस सरकार और उस सरकार की बात नहीं है, जब से आजाद हुआ है भारत तभी से चुनाव के वक्त पे, चूंकि संख्या 70 से 80% किसानों की है, वो चाहे कोई धर्म हो कोई जात हो, तो चुनाव के समय पर किसान